सत श्री अकाल जी सारे वीरां नूं। अज दी इस वीडियो दे विच असीं 12 बाय 10 दे रूम दे विच कंक्रीट जिहड़ी उह कर चुके हां। जिस तरह तुसीं देख रहे हो राज मिस्त्री किस तरह लोहे दे गरमाले दे नाल इह नीरू जिहड़ा उपर फर्श दे उपर पा रहा सारा। सो ये सारा ही नीरू रूम दे विच किस तरह पाया जांदा फुल प्रोसैस देखण नूं मिलेगा इस वीडियो दे विच। सो लास्ट तक बने रहो वीडियो नूं, एंड तक वॉच करियो। ओके जी, ये जो हुण के नीरू पा रहे हैं जी फर्श दे उपर, ये बिल्कुल ताज़ा फर्श पाया होया नीचे, तो इस दे उपर जो सीमेंट का घोल पा रहे हैं ये ना ही ज़्यादा स्ट्रोंग है और ना ही ज़्यादा नरम। सो बिल्कुल में मीडियम जहा होना चाहिए, तो फिर ये लोहे के गरमाले नाल वधिया पाएगा और पूरी मजबूती जिहड़ी उह मिलेगी देखण नूं। इसकी ये पहला जो जी कच्चा फर्श नीचे पाया गया, इसके उपर प्लस्तर कर लिया गया पहला, तो फिर ही इसके उपर नीरू जिहड़ा पा रहे हैं। जो नीरू पा रहे हैं लोहे के गरमाले नाल ये एक साइड तो उठा के गरमाला मारीदा, तो फिर 100% जो इसकी शाइनिंग वाव देखने मिलती है। जो ये कंक्रीट पाई गई है जी, ये 2 to 2.5 inch मोटाई इसकी रखी गई है, तो मजबूती एक स्लैब की तरह हो जाती है मजबूत, जे 2 to 2.5 inch पाई जाए। अगर इस तो घट पाओगे तो फिर क्रैक आने के ज़्यादा चांसिस ने पा। अगर जे तुसी फर्श के उपर टाइल या मार्बल लगाना चाहते हो कुछ समा पा के, जिस तरह कोई जिस तरह उन्हें फर्श पै चुका है ताज़ा, 6 महीने या साल का समा पा के टाइल या मार्बल लगाना चाहते हो तो उसे लगा सकते हो बिल्कुल, क्योंकि 6 महीने या साल के अंदर अंदर यह फर्श जिहड़ा वा जो भी इसके अंदर कोई क्रैक आनी होगी या त्रेड़ आनी होगी बिल्कुल आ जाएगी। सो उसके कोई डरन वाली गल नहीं, इसके उपर बिल्कुल टाइल और मार्बल जिहड़ा लग सकता है और बिल्कुल स्ट्रोंग लगेगा। ये फुल प्रोसैस देखते रहो जी इस वीडियो के, अपने जिन्या वीडियो हाउस कंस्ट्रक्शन बेस से आदि ने जानकारी देते रहने वीडियो के दे। चैनल में जरूर सबसक्राइब कर दियो ताकि होर आने वाली वीडियो का वधिया वधिया वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहन। ठीक है जी, सो वीडियो में एंड तक वॉच करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।